हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी आईएएस एंड पीसीएस। तो जर्नल एंट्री को सीखने के लिए बेसिक मैंने इसलिए वीडियो बनाया है कि जैसे कंपटीशन में या कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हैं या सपोज आप कोई कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अभी 11th में 12th में है, जो भी आपके बेसिक्स हैं तो और मतलब ऐसी चीज़ें जो छूट गई हैं स्टार्टिंग में आपसे, आपने उस समय उनको तक गौर नहीं किया था, तो चलिए आज उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, हैं बहुत छोटी सी चीज़ें, बहुत सिंपली समझ में आएंगी। बस एक रिक्वेस्ट है छोटी सी फ्रेंड्स की, आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, उसे ज़रूर क्लिक कर देना, जैसे कि मेरे जो वीडियोज़ हैं वो नोटिफिकेशन में आपको सबसे पहले मिल जाएँ। और एक और रिक्वेस्ट करूँगी, अगर कोई वीडियोज़ आप चाहते हैं मैं बनाऊँ, आपको टॉपिक क्लियर करना है तो आप वो टॉपिक वाइज भी वीडियोज़ के लिए मुझे कमेंट करेंगे तो मैं वीडियोज़ बना दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में जैसे आप देख रहे हैं सबसे पहले है डेबिट। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम उसको डीआर कर देते हैं। ओके, डेबिट कर देते हैं। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी जाएगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट है एसेट्स है, जैसे देखिए कोई भी कंपनी है तो उसका क्या है, अपना एक एसेट्स का या रियल का अकाउंट होगा। ठीक है, अब इसे हम दोनों ही नामों से जान सकते हैं, बाकी आप इसे आगे जैसे जैसे करते जाएंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेकंड वाला, जो सेकंड तरीके की जो एंट्रीज आएंगी, देखिए तीन तरह के रूल्स हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, तीन तरह के रूल्स हैं, इससे बाहर नहीं होंगे। ठीक है, सेकंड जो रूल है इसमें वो है डेबिट द रिसीवर। ओके, डेबिट द रिसीवर यानी जिससे जिसने रिसीव करा उसे डेबिट कर दीजिए। ठीक है, और क्रेडिट द गिवर, जिसने दिया है उसे क्रेडिट कर दीजिए। इसका नेचर क्या होगा, पर्सनल अकाउंट या फिर पर्सन। ठीक है, अब ये यहाँ पे अगर किसी का नाम आएगा तभी कर पाएंगे ना, जैसे मिस्टर एक्स है, वाई है या फिर मिस्टर राम है, मिस्टर राकेश है, तो उस केस में आपको ऐसा करना होता है। मैं आपको बता देती हूँ शुरू में ही ये सारी चीज़ें, इसलिए क्योंकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यानी कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है जिसके अंदर कोई नाम आ रहा है, और नाम कब आएगा, जब हम किसी से कैसा ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे फ्रेंड्स, जो हम क्रेडिट का ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, उधार का ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, कैश में वो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा होगा। मैं समझा दूंगी कि कैश और क्रेडिट के ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। इसके बाद में होता है क्रेडिट द गिवर, जो भी गिवर है जिसने दिया है, ठीक है, उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। अभी आप डेबिट और क्रेडिट समझ लो। ठीक है, जो भी देने वाला है, जैसे सपोज किसी से हमने क्या करा है, हमने पेन का बॉक्स परचेज करा है। ठीक है, तो हमने किसी से, ठीक है, तो किसने रिसीव करा, पर यानी परचेज किसने करा, परचेज करा है हमने। ठीक है, तो वो परचेजर क्या हो जाएगा, रिसीवर। तो जिसने परचेज करा उसी ने रिसीव करा होगा ना फ्रेंड्स, आपके पास कुरियर आता है इस तरीके से, आप समझो तो आप ही तो रिसीव करते हो ना, तो उसे आपको डेबिट करना है। और गिवर, जिसने दिया है उसी को आपको उसके नाम को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। डेबिट थर्ड कंडीशन में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी खर्चे होंगे ना वो सारे एक्सपेंसेस या हमारे जो भी लॉस हो रहा है वो सारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जितने भी क्रेडिट्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या हो जाएंगे, इनकम एंड गेंस वगैरह जो भी हैं वो सब क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, एक्सपेंसेस को डेबिट करना है क्योंकि एक्सपेंसेस हमें मिल रहे हैं, और क्रेडिट एंड इनकम एंड गेंस, जो भी हमारे इनकम होंगी, प्रॉफिट होंगे, वो क्या हो जाएंगे, सारे क्रेडिट हो जाएंगे। ये सारा क्या हो जाता है, आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। नॉमिनल अकाउंट में देख लीजिए, एक्सपेंसेस के नॉमिनल अकाउंट कह सकते हैं, एक्सपेंसेस, लोन, इनकम, गेंस सब आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट। इसके अंदर मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ, फॉर्मेट, यस। ठीक है, वन मिनट। ठीक है, फॉर्मेट में क्या है आपका, फॉर्मेट ये है आपका, कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। ठीक, तो इसके अंदर अगर हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट की, तो सबसे पहले आपका क्या है, डेट है। ठीक है, फिर आएगा डेट के अंदर आप जिस ट्रांजैक्शन की डेट दी गई है उसकी डेट डाल दीजिए, वरना एंट्री नंबर दिए हैं तो एंट्री नंबर डाल दीजिए। पर्टिकुलर में पर्टिकुलर आ जाएगा कि ट्रांजैक्शन हुआ क्या है, जो मैं आपको बता रही थी डेबिट और क्रेडिट वाला। लेज़र फोलियो फ्रेंड्स, लेज़र फोलियो इसलिए बनाया जाता है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं कंपनी के अंदर, सपोज बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं मिस्टर राम के, तो मंथली इसको हम क्या करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं। आपने सुना होगा कि सभी की मंथ एंडिंग में क्या है, पूरी कैलकुलेशन वो लोग सारी देखते हैं, क्या लॉस हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो कैसे पता पड़ेगा आपका क्या हुआ ट्रांजेक्शन। ठीक है, बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं एक दिन में, सपोज एक महीने के अंदर आपके 100 या 1000 ट्रांजेक्शन हो गए, है ना, बहुत छोटी सी बात है। हम समझ लेते हैं 100 ट्रांजेक्शन हो गए, 100 ट्रांजेक्शन में हमने देखा मिस्टर राम का जो ट्रांजेक्शन है ना वो 30 टाइम्स ही हुआ है हमारे साथ में,
कभी उसने परचेज किया, कभी हमने कुछ लिया, कभी उसने कुछ दिया, तो इस तरीके से क्या हुआ 30 times हुआ था मिस्टर राम का। तो अब मिस्टर राम को एंट्री बार बार देखते देखते तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन करने में, है ना। तो मंथ क्लोजिंग कैसे करेंगे, कैसे पता पड़ेगा कि क्या हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितना क्या चीज़ हमें मेंटेन करना पड़ेगा, कितना हमारा क्या क्या बैलेंस है। तो वो सब को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन सभी के नाम से एक लेज़र के अंदर एक पूरा एंट्री देना होता है। उस लेज़र फोलियो में यहाँ पे जो नंबर है, जो लेज़र फोलियो में मिस्टर राम की एंट्रीज होंगी, तो यहाँ पे लेज़र फोलियो होगा, है ना, नंबर मेंशन रहेगा। तो उस लेज़र को अगर हम उठाते हैं तो हमें मिस्टर राम की पूरे ट्रांजेक्शन उसी में दिख जाएंगे सब। हमें जनरल एंट्रीज को बार बार खोल के नहीं देखना पड़ेगा और बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो एक जगह पर सारी कैलकुलेशन होगी मिस्टर राम की। अब कोई मिस्टर प्रकाश थे तो उनकी सारी एंट्रीज रहेंगी, ठीक है, मिस्टर एक्स वाई जेड कुछ भी थे तो उनकी सारी एंट्रीज जो है हमें लेज़र फोलियो में मिल जाएगी। लेकिन लेज़र फोलियो भी हमें ढूंढना पड़ जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेज़र फोलियो का कॉलम दिया रहता है। अभी आपके किसी यूज़ का नहीं है, बट इसे समझ लीजिए क्योंकि बाद में फिर ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेज़र फोलियो के नंबर मेंशन करते हैं। यहाँ पे डेबिट वाला जो भी आया है, हमने बताया था काफ़ी सारी 3 तरह की कंडीशन बताई है, वो सब डेबिट होगा, और जो क्रेडिट वाली है वो सारी एंट्रीज यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगी। चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, ठीक है। आ जाइए, आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नहीं मतलब फ्रेंड्स, ये केवल एक एग्जांपल है जिससे आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कंप्यूटर परचेज फॉर कैश 10,000। जल्दी से इसकी एंट्री समझ लेते हैं। इसकी एंट्री जो है वो हो जाएगी कंप्यूटर अकाउंट DR डेबिट। क्या आया हमारे पास, कंप्यूटर ख़रीदा हमने तो ऑब्वियसली कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा 10,000 अमाउंट से, ठीक है। और टू कैश अकाउंट, अब ख़रीदा है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, देखिए कैश लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये नहीं लिखा होता तो एंट्री अलग तरह से होती, ठीक है। अभी कैश लिखा हुआ है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 10,000, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, अलमीरा अकाउंट DR, ठीक है। अलमीरा अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया 12,000 रुपीज़ से, और अलमीरा आया है, और फिर वही बात है, देखिए कैश गया है तो वही एंट्री हो जाएगी, अलमीरा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 12,000। अब ये नरेशन है, ठीक है। नरेशन कैसे दी जाती है, जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसे ध्यान रखने के लिए, बीइंग कंप्यूटर परचेज फॉर कैश। बहुत दिन बाद जब हम 30 days बाद देखेंगे तो हमें समझ भी नहीं आएगा कंप्यूटर क्यों DR करा था, कैश क्यों करा था, तो क्या हुआ था। तो हमें एग्जैक्टली जानने के लिए क्या ब्रीफली थोड़ा सा एक नोट देना होता है, जिससे कि हम आगे भी कभी भी इसे देखेंगे पेज टर्न करके तो हमें क्या हो जाएगा, जनरल एंट्रीज की पूरी आइडिया हो जाएगी कि क्या एंट्री होती है। यहाँ पे हमने कर दी है बीइंग अलमीरा परचेज फॉर कैश, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्रीज यूज़ होती हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं थर्ड वाली एंट्री, अलमीरा सोल्ड फॉर कैश 12,000 रुपीज़, ठीक है। अलमीरा सोल्ड, अलमीरा बेची गई है, तो जब आपने बेची है ना तो आप सोचो कि आपके पास में क्या आया और क्या गया। आपने बेची होगी तो आपने किसी को वो अलमीरा दी होगी और आपको क्या मिला होगा, कैश मिला होगा। तो कैश आया है तो हम क्या कर देंगे, कैश को DR कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू अलमीरा। किसकी वजह से हुआ, टू अलमीरा, क्योंकि अलमीरा हमने सोल्ड करी है, ठीक है। तो अलमीरा अकाउंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अलमीरा अकाउंट हमारा CR में आ जाएगा। यहाँ CR लिखते नहीं है, बट इस टू अलमीरा अकाउंट लिखने का मतलब ये होता है कि क्रेडिट अमाउंट है, तो यहाँ डेबिट का अमाउंट आएगा, यहाँ पे इसके सामने 12,000 क्रेडिट का अमाउंट आएगा। इसके बाद में लास्ट एंट्री देख लेते हैं, कंप्यूटर सोल्ड फॉर 10,000, कंप्यूटर को सोल्ड किया है। कंप्यूटर आप जब सोल्ड कर रहे हो तो आपको आप कोई चीज़ बेच रहे हो, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली छोटी सी बात है, आप खुद ही समझ जाओगे। आपने कंप्यूटर अगर बेच दिया है तो आपने पैसे लिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैश अमाउंट आ रहा है 10,000 रुपीज़, आपको पैसे रिसीव हो गए 10,000 कैश में, और कंप्यूटर आपने सोल्ड कर दिया, ठीक है, सेल्ड कर दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कैश आया है, ठीक है। और टू कंप्यूटर्स अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। इसके बाद में 10,000 यहाँ आ जाएगा, 10,000 यहाँ क्रेडिट में एंट्री आ जाएगी और नीचे नरेशन आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं, देखिए बिज़नेस की डीलिंग मैंने अभी बताई थी आपको कि कैश होती है और क्रेडिट में होती है। एक तो होता है कि हम शॉपकीपर के पास गए और हमने पैसे देकर के उससे सामान खरीद लिया, और एक होता है दूसरा तरीका कि हमने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करके 3 महीने के लिए या 6 months के लिए, जैसे आजकल मोबाइल हो रहा है ना, मोबाइल को आप क्या कर सकते हैं 3 to 6 months की क्रेडिट लिमिट पर परचेज कर सकते हैं, है ना। इसी तरीके से आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि आप आपकी नॉलेज में है वो जान पहचान में आप उससे बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं 1 month की, 30 days की, 20 days की। तो इस तरीके से बिजनेस में डील होता है, एक होता है कैश में, एक होता है क्रेडिट में, ठीक है फ्रेंड्स।
ये दोनों चीज़ आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। ये होती है बिजनेस डीलिंग, दो ही तरीके से होती है, कैश और क्रेडिट होती है। हाँ, एक कैश के अंदर एक और तरीका होता है, चेक पेमेंट भी हो जाता है, वो भी हम आगे समझ लेंगे, बहुत बड़ी कोई टफ चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर कैश इज़ गिवन। ठीक है, कैश के क्या क्या थंब रूल हैं वो देख लेते हैं। कैश इज़ गिवन, ठीक है, कैश जब दिया गया हो यानी ट्रांजेक्शन में लिखा हो, ठीक है, मिस्टर सपोज लिखा हुआ है समथिंग, मान लीजिए कि हमने पेन सोल्ड करा है या मशीनरी को हमने सोल्ड करा है, बेचा है, मशीन सेल करी है, तो मशीनरी जब हमने सेल करी है तो क्या करी है, कैश में करी है, तो जब कैश आ जाएगा तो उसका मतलब तो सिंपली हो जाएगा वो कैश ही ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लियर। इसके बाद में अगर लिख के आता है कि सोल्ड मशीनरी टू राम फॉर कैश इज़ गिवन, तो मतलब जो मशीनरी है ना वो लिख के आ रही है राम फॉर कैश, तो भैया ये वाला भी एक गौर से देख लेना, राम फॉर कैश अगर नाम लिख के आ रहा है तो हर बार क्रेडिट नहीं होता है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है, राम फॉर कैश इज़ गिवन लिख के आ रहा है तो फिर इसका मतलब हो गया बोथ कम्स इन कैश डील। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें जो निकल के आ रही है ना, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये जो मैंने यहाँ पे समझाई, वन मिनट ये क्लियर कर देती तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये जो दोनों ही चीज़ें मैंने लिखी है ना, इसका ये दोनों का ही मतलब यही निकलता है कि बोथ कम्स इन कैश डील, दोनों ही लिखा हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों ही कैश डील है। इसके बाद में निकल के आता है ओनली नेम एंड अमाउंट गिवन। ठीक है, केवल नाम लिखा हुआ हो और अमाउंट लिखा हुआ, कोई ट्रांजेक्शन हुआ है मिस्टर राम के साथ में दिस अमाउंट। ठीक है, तो राम ने क्या करा है, राम ने सोल्ड कर दी मशीनरी हमको कितने रुपये के लिए, 10,000 रुपये। हमें समझ में आ रहा है कि हमने क्या करा है, पैसे नहीं दिए उसको। ठीक है, परचेज तो करिए मशीन राम से हमने, बट हमने उसको पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर राम का नाम यूज़ होगा ट्रांजेक्शन में। ये कौन सी वाली डील हो गई, ये वही वाली होगी जो मैं बता रही थी, क्रेडिट वाली। ठीक है, उधार वाली, इसको हम क्रेडिट वाली कहते हैं। ठीक है, अब वो कितने डे का लिमिट है वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये क्रेडिट हो गई क्योंकि इसमें कैश की कहीं बात नहीं हो रही। इसके बाद में सोल्ड मशीनरी टू राम इन 10,000। अब यहाँ पर देखो राम भी आ रहा है और 10,000 रुपीज़ आ रहा है, बट यहाँ पर कैश का नाम कहीं भी नहीं आया। सोल्ड मशीनरी टू राम, राम को मशीन बेची तो गई है 10,000 रुपये के लिए, अब अमाउंट तो बताना पड़ेगा ना, बट कैश तो नहीं लिखा है कि कैश कहीं पर आया है, कैश का नाम नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, दोनों की दोनों डील जो है ना वो क्रेडिट्स में आ गई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, नहीं भी होता है ना तो आप मुझे बता देना, तो फिर मैं इसे आगे करवा दूँगी। ठीक है, तो दो ही तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं, ये मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर तो जल्दी से समझ आ जाएगा। इसमें देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 2, 1 पहले मैंने समझा दिया, आप 2 देख लेते हैं। डू द जर्नल एंट्रीज फॉर सच ट्रांजेक्शन गिवन, फर्स्ट इज कैश पे टू प्रिय रंजन, ठीक है, 20,000 रुपीज़, एंड सेकेंड फॉर कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर राकेश 60,000। ठीक है, एक तो बात हो रही है कि कैश पेड करा गया है, कैश अमाउंट जो है वो दिया गया है प्रिय रंजन को, कोई मिस्टर प्रिय रंजन है उन्हें दिया गया, कितना रुपये दिया गया, 20,000। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, मिस्टर प्रिय रंजन अकाउंट डेबिट 20,000 से, उसके बाद में 2 कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 से। क्यों करा ऐसा, क्योंकि कैश पे करा है हमने, क्या करा है, आप खुद इस क्वेश्चन में बिजनेसमैन बन जाओ, आप अपने ऊपर समझो। ठीक है, सारी एंट्रीज को तो सबसे इजी हो जाएगा, किसी भी कंपटीशन में कहीं भी कुछ भी फॉर्मूला लगाना है, आप ही बन जाओ बिजनेसमैन। ठीक है, हमने क्या करा है, हमने बिजनेस करा है, हमने कैश पे करा है। ठीक है, किसको करा है, प्रिय रंजन को करा है, तो प्रिय रंजन अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि हमने पे करा है। ठीक है, जो चीज़ गई है, क्या गया है, कैश गया है, तो 2 कैश अकाउंट, ठीक है, वो क्रेडिट हो जाएगा, मिस्टर प्रियरंजन का नाम डेबिट में आएगा। ठीक है, इसके बाद में आप देखो कैश अकाउंट, अब ये आ गया कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर राकेश। ठीक है, सेकंड एंट्री में क्या है, यहाँ पे सेकंड एंट्री बोल रही है, ये वाली हो गई आपकी, सेकंड एंट्री बोल रही है कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर राकेश। अब मिस्टर राकेश है कोई, उनसे हमने कैश रिसीव करा है, अब क्यों करा है, कैसे करा है, वो हमें नहीं पता किस लिए करा है, लेकिन ये है ट्रांजेक्शन, एक हमने कैश रिसीव करा मिस्टर राकेश से 60,000, तो हम जल्दी से उसकी एंट्री करेंगे। कैश रिसीव करा है ना, सिंपल लिखा हुआ कैश आया है, तो जब आप बिजनेसमैन हो तो आप खुद समझ जाओ, आपके पास में कैश आया तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट दिया, जल्दी से यहाँ डेबिट में अमाउंट डाल देंगे 60,000। फिर किसके थ्रू करा है, आपको हमें कुछ नहीं पता है क्या चीज़ किसके लिए आया। सपोज़ उसने कोई चीज़ पहले हो सकता है उधार ली होगी, तो उसका अमाउंट आया होगा, तो यहाँ पे लेकिन हमें मिस्टर राकेश का नाम मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, मिस्टर राकेश को यहाँ क्रेडिट कर देंगे 2 मिस्टर राकेश, क्योंकि उन्होंने दिया है, मिला किससे हमें ये अमाउंट, मिस्टर राकेश से, है ना, और किसी चीज़ को तो हम देख ही नहीं रहे। तो इसमें सिंपल आप ये कर दो, कैश आया तो कैश डेबिट कर दो, मिस्टर राकेश के नाम को आप यहाँ पे क्रेडिट कर दो, साथ में 60,000 अमाउंट को क्रेडिट कर दो, ये होगी आपकी इसकी जर्नल एंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो ना तो मेरे को बता देना, चलती है नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट वाली स्लाइड है ना, इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और नहीं भी होती हैं तो
आई एल हेयर फॉर एक्सप्लेन यू अगेन, ठीक है, लेकिन आपको पूछना तो पड़ेगा ना, तभी मुझे पता पड़ेगा आपको समझ आया नहीं आया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, डू द एंट्रीज फॉर सैलरी। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है सैलरी पेड रुपीज़ 40,000, पढ़ते जाना है करते जाना है। सैलरी पे हुई है, ठीक है, यानी कि आपके पास से क्या हुआ है, अमाउंट किया है, तो जो चीज़ आती है वो क्रेडिट होती है, जो आती है वो व्हाट कम्स इन डेबिट। तो सैलरी अकाउंट, अब यहाँ पे कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा हमें आया है, लेकिन यहाँ हमें सैलरी के बारे में दिख रहा है, तो सैलरी का एक अकाउंट होता है फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जल्दी से अमाउंट 40,000 यहाँ डेबिट हो जाएगा। इसके बाद में ऑब्वियसली सैलरी पे करी है तो कैश में करिए, यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, चेक लिखा होता तो चेक कर देते, तो टू कैश अकाउंट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया, नरेशन दे दिया बीइंग सैलरी पेड इन कैश, ठीक है, ये नरेशन हो गया। नेक्स्ट एंट्री जल्दी से देख लेते हैं, ये वाली सैलरी रिसीव्ड रुपीज़ 80,000, ठीक है, सैलरी रिसीव हुई है, अभी सैलरी पे करी थी, अभी सैलरी रिसीव हुई है, तो कैश आया होगा, सैलरी रिसीव करोगे तो क्या होगा, कैश ही तो आएगा ना, सैलरी आई है तो कुछ चीज़ तो नहीं आया, तो सब पैसे ही दिए होंगे, सैलरी किस रूप में, आपको अमाउंट के रूप में मिल रही है, अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे 80,000, तो आपने कर दे 80,000 को डेबिट कर देना है। अब आपने जब ली है सैलरी तो क्या चीज़ किसके लिए लिया है, आप कैश आया है बट सैलरी अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी के अकाउंट से ही सारे काम हो रहे हैं, तो यहाँ सैलरी अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश आपको मिला है तो डेबिट हो गया। तो मैंने बताया था एक चीज़ अगर डेबिट हो गई तो दूसरी चीज़ क्रेडिट हो जाएगी, ये भी एक तरीका है, आप इस ट्रिक से भी इसे कर सकते हैं, बाकी फंडामेंटल मैं आपको बता ही रही हूँ साथ में। इसके बाद में आपकी थर्ड एंट्री आएगी गुड परचेज, ठीक है, गुड परचेज 40,000 रुपीज़, तो गुड परचेज की एंट्री कर देते, परचेज अकाउंट DR होगा, अभी वो गुड्स अकाउंट नहीं हो, गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता, क्योंकि गुड्स आप बिजनेस कर रहे हो ना, आप खुद सोचो आप गुड्स अकाउंट करोगे क्या, नहीं करोगे ना, गुड्स अकाउंट क्या चीज़ होता है, अलमीरा होता, मशीनरी होता, कंप्यूटर होता, तो वो हम कर लेते हैं, बट गुड्स का अकाउंट करोगे क्या, नहीं, तो परचेज अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट जल्दी से उसका अमाउंट 40,000 डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ऑब्वियसली खरीदा है तो पैसे गया होगा, अमाउंट गया होगा, तो कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, टू कैश अकाउंट 40,000। फोर्थ एंट्री देख लेते हैं, फोर्थ एंट्री में लिखा है गुड्स सोल्ड फॉर 40,000, अब गुड्स खरीदा था, अब गुड्स बेचा है, ठीक है, नेक्स्ट में ऐसी एंट्री आती है करने के लिए, तो जल्दी से कैश अकाउंट, देखो गुड्स जब बेचा होगा तो क्या हुआ होगा, आपके पास से अमाउंट क्या हुआ है, आया है, और आपके पास एक गुड्स गया होगा, ठीक है, आपने कुछ चीज़ बेची होगी, सामान बेचा होगा ऑब्वियसली, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ 50,000 से, और बेचा है आपने तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो ये सारी एंट्री कहाँ जाएंगी, सेल्स अकाउंट में जाएंगी, तो उससे आपको एक बार में पता पड़ जाएगा कि आपकी कितनी सेल हुई है। समझ रहे हैं आप लोग सेल्स अकाउंट क्यों आ रहा है, परचेज अकाउंट क्यों आ रहा है, क्योंकि सेल एंड परचेज अकाउंट बनेगा, अगर हम गुड्स का बनाते तो आप खुद ही सोचो यहाँ पर गुड्स दो बार आ रहे हैं, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये 6 स्लाइड्स थी आज के लिए, और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज क्लियर हो गई होंगी आप लोगों, क्योंकि इसके अंदर सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये आती है कि जो जर्नल एंट्रीज है उसमें छोटी छोटी बातें हम शुरू में ध्यान नहीं देते, बाद में वो हमें प्रॉब्लम करती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो, और इसे प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ये हमारा मोटिवेशन होता है, आप यही मोटिवेशन देंगे तो मैं वीडियोज़ लगातार बनाऊँगी, वरना वीडियोज़ बनाने में भी इतना मज़ा नहीं आता है, ठीक है, ऐसी कोई अर्निंग इससे होती नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा सारी चीज़ों के बारे में, तो बस इससे मेरे को एक ये अच्छा लगता है कि काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प मिल जाएगी, जो मतलब हमें नहीं मिल पाती थी, हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन आप लोग पढ़ पाएंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और इस समय कोविड का भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो क्लासेस इस समय ऑफ ही हैं, तो इस तरीके से शायद नॉलेज शेयर हो जाए, तो ठीक है फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, और भी किसी टॉपिक पर चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो, ओके, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, बाय बाय।